भाजपा नेता के होटल पर डीजल का काला कारोबार, करोड़ों का डीजल बरामद। उत्तर प्रदेश में सरकार भले ही अपराध पर जीरो टॉलरेंस का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही हो, लेकिन अपराधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वह कहीं ना कहीं बेखौफ होकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। कई बार तो सत्तासीन भाजपा के मातहत ही काले कारनामों को अंजाम देते सामने आते हैं। ऐसा ही एक मामला सूबे के इटावा जनपद से आया है, जहां भाजपा नेता पर डीजल चोरी कर कालाबाजारी करने का आरोप है। इटावा अपर पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि इटावा जनपद में जिला प्रशासन और पुलिस टीम ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ संयुक्त रूप से अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए के डीजल की कालाबाजारी का खुलासा किया। यह कालाबाजारी का खेल जिले के जसवंत नगर स्थित एक ढाबे पर चल रहा था, जो एक भाजपा नेता का बताया जा रहा है। टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए रिलायंस कंपनी के 5 डीजल टैंकरों से डीजल की चोरी करते हुए चोरों को धर दबोचा। मौके से चोरी किया हुआ 3000 लीटर भी बरामद हुआ। टीम ने छापेमारी कर 17 लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि छापेमारी की सूचना पर होटल मालिक फरार हो गया। मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये कानपुर देहात में रिलायंस इंडस्ट्रीज का आउटवार्ड है, जहां से डीजल लेकर के ट्रक ढेर सारे पेट्रोल पंप्स के लिए रवाना होते हैं। यहां पर जसवंत नगर थाना क्षेत्र में हाईवे पर ही एक फौजी ढाबा है, जहां पर आज सूचना मिली थी कि जो आउटवार्ड से ट्रक्स रवाना होते हैं वो यहां पर काफ़ी भारी मात्रा में डीजल निकाल देते हैं। ढाबे के पीछे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहां पर ट्रक खड़ा है और इससे डीजल निकाला जा रहा था। इसी तरह 4 ट्रक और ढाबे के सामने खड़े हैं, उससे भी डीजल निकाल करके उसको बाहर की ओर खड़ा किया गया था। लगभग 3500 लीटर डीजल ढाबे के पीछे स्थित एक छोटे से कमरे में ड्रमों में इकट्ठा है, वहाँ डीजल निकालने की मजा आते थे। और आपने देखा है कि यहाँ पर कुछ ट्रैक्टर, कुछ और भी वाहन खड़े हैं, जिनमें ये डीजल औने पौने दाम पर बेचे जाने की भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जो फौजी ढाबा के कथित मालिक हैं, इनकी संलिप्तता इसमें जाहिर है और ये फिलहाल फरार हो गए हैं। 17 लोग कुल हिरासत में लिए गए हैं। यह पुलिस और राजस्व विभाग और DSO की एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था आज, और इसमें ये बरामदगी और ये घटना का उजागर हुआ है। इस प्रकार से ये काफ़ी भारी मात्रा में राजस्व की हानि करते थे। इस प्रकरण में बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं और जो फैक्ट्स हमें मिल रहे हैं उसके आधार पर NSA की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। ये जो पूरा गैंग है, ये कितने समय से इस तरीके का अनलीगल कारोबार करने में लगा हुआ था, क्या पुलिस के पास में जानकारी मिली? अभी तक जो हमें सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसके आधार पर ये लगभग 6-7 महीने से ये इस तरह का कार्य चल रहा था, और इसमें हम और तथ्यों को पूछताछ अभी करेंगे तो हमें निश्चित रूप से और तथ्य प्रकाश में। सर, जो गैंग लीडर हैं उनका कोई राजनीतिक किसी परिवार या किसी नेता से कोई रिलेशन सामने आया हो? हम ये सब चीज़ों तथ्यों पर अभी जांच कर रहे हैं और पूछताछ करेंगे, फिर इसको जो भी प्रगति होगी आपको अवगत।